मैंने ये भी देखा कि अवधेश प्रसाद जी के प्रिय साथी मोहित खान साहब, जिनके साथ उनके अनेक फोटोग्राफ्स हैं, उनके बारे में जब बात आती है और 12 साल की बच्ची के साथ ना सिर्फ बलात्कार बल्कि उसको गर्भवती जब बना दिया जाता है, उस पर उनको डराने धमकाने की कैसे बातें सामने आती हैं। और तो और, अखिलेश यादव ये तक कहते हैं कि पेटर्निटी टेस्ट होना चाहिए, यानी वो बच्ची झूठ बोल रही है, उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। साथियों, ये है असली चरित्र इंडिया अलायंस का। आप बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि लगातार एक बार नहीं कई कई बार बलात्कारियों को राजनीतिक शह दी गई है? आपने कभी सुना है ऐसे वाक्य का जब उस बच्ची के माँ बाप को फोन किया जाता है और ये बताया जाता है सोच समझ कर कि वो सुसाइड है? 3 घंटे तक वो पार्थिव शरीर को नहीं देख पाते, और ना सिर्फ ये, आप सोचिए किस तरह से सबूतों को नष्ट करने के लिए वो सरकारी अस्पताल में रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ये साथियों, बाकायदा कुछ लोग आते हैं और हुड़दंग करते हैं और सर्वर रूम में चले जाते हैं और जो DVR को हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत हमने साथियों बहुत ही इस तरह के जो वाक्य होते हैं शर्मसार करते हैं, बहुत ही अफसोस होता है कि हमारे सरजमी पर ऐसे राक्षस रहते हैं और भेड़िए घूमते हैं। लेकिन साथियों, इस तरह से आपने कभी सुना है कि वो महिला जो खुद एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उसके सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं, बाकायदा रेपेस और बलात्कारियों को ना सिर्फ राजनीतिक शय और संरक्षण दे रही हैं, बल्कि इसके लिए कह रही जो तिरंगा लेके घूम रहे हैं, जो राम और श्याम वाले हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा निर्लज्जता की कोई और गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ही तकलीफ दे वाकया हुआ है, सबको झकझोर दिया है, रूह कांप गई है लोगों की कि अगर आप तथ्य पढ़े नहीं जाते हैं साथियों। और साफ जाहिर है, कुछ शब्दों का मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन जो भी मेडिको लीगल रिपोर्ट में जिसको भी जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की गई, जो तथ्य मिले हैं साफ जाहिर हैं कि उस डॉक्टर बिटिया के जो बलात्कारी थे वो एक नहीं था, ज़्यादा थे। कौन है वो लोग, कहाँ हैं वो लोग? कोलकाता पुलिस, जिसको ममता बनर्जी कह रही थी कि सबसे अच्छी पुलिस है, क्या कर रही थी पुलिस को? अगले दिन जब बच्ची बिटिया, डॉक्टर बिटिया हमारी मृतक घोषित की गई, तब क्यों बुलाया गया? कौन लोग थे जो सबूत को लगातार नष्ट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे की कहानी है? किन लोगों का बचाव हो रहा है? पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे छात्र का पूरा विरोध प्रदर्शन जो जगह जगह कर रहे हैं, परेशान हाल। और एक बच्ची को मैंने कहते हुए सुना कि मुझे मालूम नहीं मेरा वक्त कब आएगा, मेरा कभी भी, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है।